हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्षितिज भाग एक के पाठ एक दो बैलों की कथा, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, उनके वाचन एवं व्याख्या के बारे में जाना। आज हम उस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? सबको पता है कांजी होश जहाँ पशुओं का बाड़ा है, आवारा पशुओं को रखा जाता है, जहाँ मटर के खेत में पकड़े जाने के बाद जो हीरा और मोती दोनों बैल वहां चले गए थे, एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। तो उसमें क्या था कि हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि कोई जानवर मर तो नहीं गया है या कोई जानवर भाग तो नहीं गया है, इसलिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कांजी होश एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। कांजी होश एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी होश के मालिक का यह दायित्व था कि उन्हें जेल में सुरक्षित रखे व भागने ना दे। अतः कांजी होश के मालिक का यह दायित्व था, यह जिम्मेदारी थी कि वह उन्हें सुरक्षित रखे और भागने ना दे। प्रत्येक दिन कांजी होश में यह देखने के लिए कि कोई पशु भाग तो नहीं गया है या मर तो नहीं गया है, क्या लिखोगे कि कोई पशु भाग तो नहीं गया है या मर तो नहीं गया है, इसका पता लगाने के लिए कांजी होश में प्रतिदिन या हर रोज पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देखिए। कांजी होश एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। कांजी होश के मालिक की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे, वह भागने ना दे। कोई पशु मर तो नहीं गया है या फिर भाग तो नहीं गया है, यह देखने के लिए ही या इसका पता लगाने के लिए ही हाजिरी ली जाती थी, हर रोज हाजिरी ली जाती थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दो, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये सबको पता है कि जब छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, मैं पहले डिस्कस करवा चुका हूँ, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था, मारा पिटा जाता था, उसी प्रकार से बैलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। इसके कारण दोनों की स्थितियाँ एक जैसी होने के कारण प्रेम उत्पन्न हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी।
उसकी सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। बैलों के साथ भी ऐसा ही होता था। हीरा और मोती बैलों के साथ भी ऐसा ही होता था। उन्हें समय पर चारा पानी नहीं दिया जाता था। उन्हें समय पर चारा पानी नहीं दिया जाता था। बहुत अधिक काम लिया जाता था उनसे, बहुत अधिक काम लिया जाता था और मारा पीटा जाता था। हीरा और मोती बैलों के साथ भी ऐसा ही होता था। उन्हें समय पर चारा नहीं दिया जाता था। उनसे बहुत अधिक काम लिया जाता था और मारा पीटा जाता था। इन सब की समान परिस्थितियां थी, इन सब की समान स्थिति थी। समान परिस्थितियों के कारण ही छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। समान परिस्थितियों के कारण ही छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। फिर से देखेंगे, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी और बुरा व्यवहार करती थी। हीरा और मोती बैलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता था। उन्हें समय पर चारा पानी नहीं दिया जाता था। उनसे काम बहुत अधिक लिया जाता था और मारा पीटा जाता था। इन सभी की परिस्थितियां या स्थितियां समान थी। समान परिस्थितियों के कारण ही छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ये प्रश्न संख्या 2 थी। अब प्रश्न संख्या 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इसमें हो जाएगा, इस कहानी के माध्यम से या इस कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर एक, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना भी पाप है। सरल, सीधा तथा अत्यधिक सहनशील होना भी पाप है। नंबर 2, मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। नंबर 3, संकट के समय मित्र का साथ देना चाहिए। नंबर 3, संकट के समय मित्र का साथ देना चाहिए। नंबर 4, औरत यानी नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। नंबर 4, नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। नंबर 5,
नंबर चार पे हो गया नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। नंबर पांच, अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए। नंबर पांच, अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। नंबर एक, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। नंबर दो, मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए या करते रहना चाहिए। नंबर तीन, आजादी वाला नहीं है। नंबर तीन, औरतों पर या नारी जाति पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। नंबर चार, मित्र संकट के समय मित्र का साथ देना चाहिए, मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और नंबर पांच, नंबर पांच कौन सा है भाई? देखना नंबर पांच कौन सा है, मेरे दिमाग में निकल गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। उसके बाद चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका होगा उत्तर नंबर एक, उत्तर, गधे की स्वभावगत या स्वभाव की दो विशेषताएं प्रसिद्ध है। नंबर एक मूर्खता और नंबर दो सरलता और सहनशीलता। गधे के स्वभाव की दो विशेषताएं हैं, नंबर एक मूर्खता और नंबर दो सरलता। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर ध्यान आकर्षित किया है और इन दो विशेषताओं के कारण ही इन दो विशेषताओं के कारण ही लेखक ने उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इन दो विशेषताओं के कारण, आप इतना भी लिख सकते हो, इन दो विशेषताओं के कारण ही लेखक ने उसके प्रति नए अर्थ की ओर संकेत किया है। फिर से देखेंगे, गधे के स्वभाव की दो विशेषताएं हैं, नंबर एक मूर्खता, नंबर दो सरलता और सहनशीलता। लेखक ने इन दो विशेषताओं के कारण ही उसके प्रति नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इसमें एक लाइन हो जाएगी, इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इसके कारण ही इन विशेषताओं के कारण ही लेखक ने उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न एक और है। अब हम पांचवा प्रश्न न करके पहले छठा करेंगे, क्योंकि पांचवा प्रश्न का उत्तर बड़ा है और ऑडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छठा प्रश्न करेंगे। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना, इसको भी नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पांच चार प्रश्न तक ही आज हम करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगले ऑडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।